गेनिंग्स आई है, दो दिन बीच में है अब, और फिर है 14 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल हटाकर अगर आप बात करें तो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आज यहां पर दिल्ली में जो गूंज हुई उसकी आवाज अहमदाबाद तक पहुंची? गई है, ऑफ कोर्स गई है, और जो कल हैदराबाद की गूंज थी वो दिल्ली तक आई है। बिल्कुल। तो अगर आप आमने सामने रखते हो, पिछले एक महीने की क्रिकेट भी देखते हो, इंडिया डेफिनेटली फेवरेट है, बट पाकिस्तान भी आया है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात उनके लिए हुई कि उनके दो नए लड़कों ने रन बना दिए, और रिजवान ने जो कल बैटिंग की, मनोज आई थिंक ही इज अ डेंजरस प्लेयर। इमाम और बाबर ना थोड़े अलग तरह के प्लेयर है। यहाँ पर ये आपको बता दें कि अब आएगा असली मजा अहमदाबाद में, बिकॉज जितना आपने समझा, जो आपने सुना कि पाकिस्तान के बस की नहीं है, पाकिस्तान कर नहीं सकती बहुत साथ, उस पार से भी, खुद पाकिस्तान से भी, मतलब उनकी तो चांदी हुई थी जब से पाकिस्तान नीचे लगी हुई थी, लेकिन ये जरूर है आपको कि गलत पिक्चर आपको हमने नहीं दी। इस टोटल के बाद भी हमने आपको बताया था पाकिस्तान के पास फायर पावर है। यस, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद बाबर आजम, जिस तरीके से लड़के खेल रहे हैं उसको करना चाहिए था, स्टेप अप करना चाहिए। ना नीदरलैंड की गेम में परफॉर्मेंस आई, ना आज श्रीलंका की गेम में परफॉर्मेंस आई, बट राइट टाइम पे राइट एडजस्टमेंट्स, और अभी भी आपको बताऊंगा थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, फाइन ट्यूनिंग और कर ले पाकिस्तान तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा टॉप फोर में जाने का। हालांकि लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, नीदरलैंड्स और श्रीलंका दो ऐसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वसीशा ऑफिशियल, एक नई रिएक्शन के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वसीशा ऑफिशियल, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। एक नई रिएक्शन आई है विक्रांत गुप्ता, इंडियन मीडिया क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जिस तरह से मैच होने जा रहा 14 अक्टूबर को, उस पर क्या कहते हैं, और उसके अलावा कल उनकी जो टीम जीती है उस पर भी थोड़ी सी बात की है इन्होंने। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं, आप भी जरा एंजॉय करें और मैं तो एंजॉय करता ही करता हूँ। आ जाए, हैदराबाद की गूंज थी वो दिल्ली तक आई है। बिल्कुल। तो अगर आप आमने सामने रखते हो, पिछले एक महीने की क्रिकेट भी देखते हो, इंडिया डेफिनेटली फेवरेट है, बट पाकिस्तान भी आया है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात उनके लिए हुई कि उनके दो नए लड़कों ने रन बना दिए, और रिजवान ने जो कल बैटिंग की, मनोज आई थिंक ही इज अ डेंजरस प्लेयर। इमाम और बाबर ना थोड़े अलग तरह के प्लेयर हैं। बाबर के दो मैचों में रन नहीं आए, क्या ये अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है? भाई कभी तो रन बनाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया के मैच से। सो बहुत सारी ऐसी चीजें आमने सामने आप रखें, बट जो पाकिस्तान की ताकत क्या है, उनकी ताकत है उनकी गेंदबाजी, और गेंदबाजी समाओ उनकी धार नजर नहीं धार नहीं आई, और शाहीन अफरीदी के चेहरे पे वो आपको दिख भी रहा है, उस थकान कहें या बर्डन कहें, बर्डन कहें। हसन अली ने हालांकि देखिए एक बात है, हसन अली ये तजुर्बा है ना, एक दो मैच के बाद हसन अली इज गॉट यूज्ड टू इट, वो आके उन्होंने विकेटें भी ली है। हसन अली इज अ स्किडी बॉलर, बट आई थिंक अब बड़ी बात ये भी आ जाएगी कि इंडिया अहमदाबाद में किस तरह के सरफेस पे खेलना पसंद करेगा। भाई क्या वो चेन्नई की तरह होगा? नहीं। क्या वो दिल्ली की तरह होगा? नहीं। अहमदाबाद में अच्छा विकेट मिलता है, थोड़ा बाउंस अतिरिक्त होता है, बड़ा ग्राउंड भी है, गर्मी भी ज्यादा है, और अभी रॉबिन थप्पड़ से मैंने जो शो किया है जो आप देखेंगे थोड़ी देर में, कह रहे हैं कि ओस गिरेगी, वो तो अहमदाबाद में खेले हैं। अगर ओस गिरेगी तो अब मुझे लगता है कि अगर आमने सामने आप रखो, इंडिया डेफिनेटली हैज एन एज एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न्ड। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं चेन्नई और दिल्ली के दरमियान वाली विकेट बनाए? हाँ। विकेट अच्छी हो बट थोड़ा ग्रिप करे जहां पे, तो जहां पे ग्रिप करेगा थोड़ा टर्न मिलेगा कुलदीप और जडेजा, ये दोनों, और आई डोंट नो इंडिया वहां पे तीसरा स्पिनर अश्विन को खिलाना चाहता है या फिर यही सेम टीम, मतलब शार्दुल सिराज और बुमराह, या फिर शार्दुल शमी और बुमराह के साथ जाते हैं, बिकॉज एक बात तो उन्होंने इंडिया ने आज दिखा दी है, तीन स्पिनर खेलेंगे तो अश्विन 8 नंबर पे होंगे, अगर तीन स्पिनर नहीं खेलेंगे तो शार्दुल ठाकुर 8 नंबर होंगे। तो ये क्योंकि है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो यहाँ पर आपके सवाल भी लिए जाएंगे, तो आपके जो भी सवाल थे जो हमने पिछले जो है एक तरीके से जब मैच खत्म किया तो उसका एनालिसिस जब किया था तो वहां पर लिए थे, यहाँ पर भी लेंगे, लेकिन जय भाई वही है क्योंकि आप भी थोड़ा सा जो है ब्रेक पर थे एक तरीके से, और विराट कोहली ये कभी ब्रेक पर नहीं रहते, हालांकि जब ये ब्रेक पर गए और उसके बाद वापस आए तो क्या ही वापस, विराट कोहली का जो ब्रेक होता है ना वो उनके लिए रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग होता है, जब आते हैं उसके बाद तो फिर विराट कोहली ब्रेक नहीं लेते रन बनाने के मामले में, मेरा तो अभी बस शुरू हुआ है। पर सवाल यही है जय भाई, क्योंकि अगर हम देखें सर विराट कोहली का भी अगर वर्ल्ड कप एक तरीके से करियर उस तरीके से उठाकर देखें, खेले वर्ल्ड कप, पहला मैच शतक, उसके बाद जो है 2015 वाली गेम अगेंस्ट पाकिस्तान शतक, और पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के फैंस को, कि जब तक विराट कोहली क्रीज पर है मैच हम नहीं जीत सकते, इस तरीके का सिनेरियो एक चैन की सांस नहीं लेने देंगे। क्या वो लगता है कि शतक का जो इंतजार चल रहा है विराट का इन वर्ल्ड कप वो खत्म करेंगे वो यहाँ पर, मतलब अहमदाबाद, अब
फेवरेट अपोनेंट है एक तरह से कह सकते हैं विराट के लिए, और मंच भी बड़ा होगा, और जब भी बड़ा मंच होता है तो विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, तो पूरे पूरे मैं कहूंगा इम्कानात है सर। इम्कानात है। और सर क्योंकि वही मैं जब मैं ये बता ही रहा था और बोल रहा था क्या विराट के जो है शतक का जो इंतजार चल रहा है, मतलब वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत मैचेस के लिए हाफ सेंचुरी अच्छी स्कोर लगातार आई है, बट एक शतक की हम बात करते हैं उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, तो जहन में कहीं ना कहीं आया कि मैं अहमदाबाद बात कर रहा हूँ, शतक की बात कर रहा हूँ, और शुभमन गिल नहीं होंगे। शुभमन गिल नहीं ही होंगे, उनका फेवरेट वेन्यू, लव अफेयर चल रहा है उनका अहमदाबाद से। यार देखो किसी भी प्लेयर के लिए, और शुभमन गिल का तो यार ये पहला वर्ल्ड कप है ना, मतलब किसी प्लेयर के लिए एक सपना होता है वर्ल्ड कप, आप इस यंग एज में इतनी जल्दी खेल गए बहुत बड़ी बात है, और अचानक से आपको पता चले कि आप गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं, और फिर ये क्या कर सकते हैं। आज अच्छी बात ये हुई कि ईशान ने भी बनाए रहा, क्योंकि ईशान का यहाँ पर ये आपको बता दें आपकी अब आएगा असली मजा अहमदाबाद में, बिकॉज जितना आपने समझा जो आपने सुना कि पाकिस्तान की बस की नहीं है, पाकिस्तान कर नहीं सकती बहुत साथ, उस पार से भी खुद पाकिस्तान से भी, मतलब उनकी तो चांदी हुई थी जब से पाकिस्तान नीचे लगी हुई थी, लेकिन ये जरूर है आपको कि गलत पिक्चर आपको हमने नहीं दी। इस टोटल के बाद भी हमने आपको बताया था पाकिस्तान के पास फायर पावर है। यस वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद बाबर आजम, जिस तरीके से लड़के खेल रहे उसको करना चाहिए था, स्टेप अप करना चाहिए, ना नीदरलैंड की गेम में परफॉर्मेंस आई, ना आज श्रीलंका की गेम में परफॉर्मेंस आई, बट राइट टाइम पे राइट एडजस्टमेंट्स, और अभी भी आपको बताऊंगा थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स फाइन ट्यूनिंग और कर ले पाकिस्तान तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा टॉप फोर में जाने का। हालांकि लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, नीदरलैंड्स और श्रीलंका दो ऐसी टीम्स थी जिनकी बॉलिंग बहुत ही हल्की थी, बट डिस्पाइट दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड एफर्ट बाय पाकिस्तान, पहली टीम बने हैं जिन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप 344 रन को चेस, केस खाली बजे से है एक टीम जो कि बिल्कुल नीचे लगी हुई होती है, बहुत कंट्रोवर्सीज के बीच में इंडिया आती है, व्हाटएवर सेड एंड डन, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी बड़ी मिली इनको, बट इट इज नॉट इजी कि 344 रन लगे हुए उस टीम के अगेंस्ट जो टीम तुम्हें हरा के आ रही है एशिया कप में, तुम्हारे मेन बॉलर भी तुम्हारे पास नहीं है, बाबर आजम आउट, इमामुल हक जो सॉरी टू से लेकिन टीम में नहीं होना चाहिए आपकी वो भी आउट, और उसके बाद लगातार अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मारते हैं, और मोहम्मद रिजवान को तो कहना का लिमिटेड प्लेयर बट सो ग्रिटी, ऑनेस्टली यार सुपर्ब नॉक बाय मोहम्मद रिजवान यार, 121 बॉलों पे 134 नॉट आउट, 9 चौके 3 छक्के 110 की स्ट्राइक रेट से खेला मोहम्मद रिजवान, और अब्दुल्ला शफीक को भी दिखाना बेटा बिकॉज हिज इनिंग्स वॉज आउटस्टैंडिंग। आप ये देखो एक चीज होती है मौका मिलना, मौका मौका करते थे ना, लेकिन मौका मिला, मौके के बाद आप देखिए बाबर किस तरीके से झप्पी पा रहे हैं, बिकॉज टीम एफर्ट है, आपको हमेशा इन्होंने पहले ही बोला भाई हमारी टीम है, टीम है, टीम अच्छा करेगी, टीम अच्छा करेगी, कट्ठे लेके चले बाबर आजम। देखो बाबर की जीत भी वही होने वाली है, बाबर की हार भी वही होने वाली है, उसने इन लड़कों के ऊपर जुआ खेला एक तरीके से, उसने बोला भाई मेरे यही लड़के खेले हैं मैं इन्हीं को खिलाऊंगा, मोहम्मद हफीज रिजाइन कर ले, एक्स वाई जेड रिजाइन कर ले, मेरे को इन्होंने जिताया है, और ये मेरे, और उसके वर्ड्स थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लड़के मेरे लिए, मैं अपने ज्यादा भरोसा इन पे करता हूं, तो शादाब के नहीं आ रहा भी नहीं आ रहा, बट रिजवान आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया भाई दैट ही बिलोंग्स हियर, बिकॉज ओडीआई में अभी डाउट है, वैसे अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी है, बट कम से कम जब जरूरत ही मैच निकाल दिया ना अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट, 38-42 से निकाल तो दिया, ये बात है बाबर रिजवान के अगेंस्ट फंसे जीत गए, श्रीलंका के अगेंस्ट फंसे जीत गए, और कन्विंसिंग जीते हो, कहीं पे फंसे नहीं नजर आए, बस शुरू में 38-42 के बाद फंसे हुए थे, उसके बाद कहीं फंसे हुए नजर नहीं आए। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में।